छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। अब तक शराबबंदी को लेकर कांग्रेस निशाने पर थी, लेकिन अब भाजपा ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि शराबबंदी का मुद्दा उनके घोषणा पत्र में होगा। शराबबंदी को लेकर डॉक्टर अमन सिंह के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस भाजपा में इस मुद्दे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली गली में, होटल पांठले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था, तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। मुख्यमंत्री जाते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो।